फॉर दिस वर्ल्ड कप. और आज उनके साथ सौरभ गंगुली हैं. okay. और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की, आइए सुनते हैं. 50 plus average is the winning ratio in ODIs. One of the most successful test captains of India, Sourav Ganguly. Thank you, ji. Thank you. पहले पाकिस्तान के सब दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं. जब भी पाकिस्तान के साथ कुछ भी कांटेक्ट होता है, वैसे मीडिया से या खेलने के समय, बहुत अच्छा लगा है. मुझे अभी भी 2003 का वो सफ़र, 2004 का सफ़र अभी भी याद है. क्या टूर था, हम कहते 3 test और 5 one day के लिए. बहुत बढ़िया सफ़र था और वो यादें अभी भी मेरे साथ है. वसीम भाई हैं, मिसबा हैं, शोएब हैं और मोइन खान है. मोइन खान तो इतना बूढ़ा हो गया है, अरे सफ़ेद हो गए उसके बाल. थोड़ा सा कलर कर लो मोइन, हमारे जैसा थोड़ा सा अच्छा लगेगा. और वसीम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत अच्छा लग रहा है कि वो घर में है, क्योंकि उनका ऐसा लगता था उनका पैर के नीचे रोलर स्केट्स ही लगा हुआ है. कभी दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी इंग्लैंड, कभी पाकिस्तान, कभी साउथ अफ्रीका. शुक्र है कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे. बच्चे भी उनके बड़े हो गए. मैं देखता हूँ उनका बेटे का फ़ोटो इंस्टाग्राम में, उनसे भी ज़्यादा हैंडसम है. उनको बोलना, मैंने कहा है बेटे का फ़ोटो मैं देखता हूँ. तो बहुत अच्छा लगा इन सबको देख कर. मैं उनका शो फॉलो भी करता हूँ. और वसीम भाई जो बीच बीच में डांटते हैं ना पाकिस्तान प्लेयर्स को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत खुशी हुई आप सबसे बात करने के लिए. जो अभी इंडिया की रीसेंट सक्सेस आई है, आप भी BCCI के प्रेसिडेंट रहे, बड़ा अच्छा दौर गुजरा. क्या इट्स डाउन टू IPL या और कुछ, कैसे सिस्टम में पैसा आया? नहीं, सिर्फ IPL नहीं. IPL अकेला ये टर्न अराउंड नहीं करा सकता, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि क्वालिटी 4-day 5-day क्रिकेट में ही बनता है. ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलोगे तो मीडियोक्रिटी आ जाएगा. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि खेलो T20, पैसे बनाओ T20 से, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है तो लंबे समय खेलना पड़ेगा. वो खिलाड़ी चाहिए जो वसीम भाई जैसा दिन में 25-30 ओवर डालते थे. नए बॉल में तेज़, पुराना बॉल में तेज़, 4 ओवर से प्लेयर नहीं बनते. तो मेरे हिसाब से सिर्फ IPL नहीं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ही अच्छा है. इतने मैचेस होते हैं, इतने खिलाड़ी हैं, पैसा तो है ही इंडियन क्रिकेट में. वो हम लकी हैं, खुशकिस्मत है कि मैं देखा हूँ 3 साल बोर्ड प्रेसिडेंट के समय कि टेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं होती, कि इतने लोग आके देते हैं. तो वो एक है. और जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो मनी राइट डायरेक्शन पे यूज़ होता है, खिलाड़ियों के पे ऊपर यूज़ होता है. पे राइज हुआ है बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. बहुत बहुत मैचेस होते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. सीज़न शुरू होते हैं सितंबर में, ख़त्म होता है मार्च में, और उसके बाद IPL वो जाता है मई तक. तो एक फर्स्ट क्लास खिलाड़ी सितंबर से मई तक क्रिकेट ही खेलता रहता है, और हर फॉर्मेट T20, 50 ओवर्स, 4-day 5-day सब खेलते हैं. तो मैं समझता हूँ इसी सिस्टम के लिए ये खिलाड़ी या टीम इतनी अच्छी बनी है. और एक जो आपने बिल्कुल कहा कि सही कहा कि एक सिक्योरिटी है खिलाड़ी में कि खेलेंगे तो ज़िंदगी बनेगा, ये एक चीज़ है इंडिया में. आपके देश में भी बहुत टैलेंट है. मैं सुनता रहता हूँ और देखता रहता हूँ, टीम देखता रहता हूँ. थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, बट टैलेंट बहुत है. जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिस टीम में आपके जो बल्लेबाज रिजवान, बाबर, इमाम, जो सारे खिलाड़ी हैं, जब आप देखते हो तो लगता है कि क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ सईद अनवर, वजीम अकरम, यूसुफ युहाना, यूनिस, इंजी भाई का तो इतने स्लो, लेकिन जब फास्ट बॉलिंग खेलते थे लगता था बॉल स्लो है, तो इतने बड़े प्लेयर थे. तो ये सब खिलाड़ी मैं देखा हूँ. तो पाकिस्तान क्रिकेट मेरे हिसाब से अभी भी स्ट्रॉन्ग है, खिलाड़ी बहुत है. थोड़े से एडजस्टमेंट करोगे तो वो भी भारत जैसा ही स्ट्रॉन्ग होगा. थैंक यू सो मच शाहिद भाई. वेल फर्स्टली ट्रूली ऑनर्ड दैट सौरभ गंगुली वॉचेस आवर शो. दादा हाय, हाउ आर यू? शुभकामनाएं आपको भी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं, पवेलियन भी फॉलो करते हैं. और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने की एक जो बातें की एक जो बात उसने कहा कि सिस्टम इज द की. उनका सिस्टम सितंबर में शुरू होता है, मई में खत्म होता है. और हर फॉर्मेट का क्रिकेटर ये सिर्फ BCCI के अंडर जो आता है, जो उनकी क्लब क्रिकेट है, जो उनकी अपनी स्टेट की लीग्स होती हैं स्टेट में, वो अलग है. वो अलग है. या और उन्होंने एक और बड़ी जबरदस्त की बात की कि मोइन खान बहुत बूढ़े लग रहे हैं शो के अंदर. कल तो उन्होंने ठीक किया, उन्होंने बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया. याद है आपको अच्छे तरीके से? मजे की बात है, आपको मुबारक हो कि आपका प्रोग्राम फॉलो करते हैं. हमारा, मेरा नहीं है, हमारा प्रोग्राम फॉलो करते हैं, हम सबका है. तो इट इज ट्रूली. और एक चीज और इम्पोर्टेंट कही रहे कि जैसे हम बात कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम के, ठीक है T20 लीग्स पैसा बनाने के लिए कमर्शियली ठीक है, लेकिन अगर प्लेयर बनाना है
तो वो 4 डे और 5 डे में ही बनेगा। स्किल्स 4 ओवर से नहीं बनेंगे, वो जब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ज़्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे, स्किल नहीं डेवलप हो सकती। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो यू हैव मई, 9 महीने ये क्रिकेट, और फिर मई, जून, जुलाई, फिर इनकी डोमेस्टिक जो लीग नहीं, ये फिर आईपीएल आ जाता है ना अप्रैल मई जून उसके बाद, फिर कर्नाटका लीग, फिर महाराष्ट्र लीग, पुणे लीग, वो लीग है, उसमें ठीक ठाक बिग लीग्स हैं जो और सारे, मैंने ये सुना है कि सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं दे ऑल गो एंड प्ले द डोमेस्टिक क्रिकेट, दे गेट पेड, या दैट्स व्हाट ही सेड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो कहते हैं कि हमारे पास जो क्रिकेटर्स हैं उनको सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी, यहाँ पे हमारा जो पाकिस्तान को टच कर रहा होता है उसको इंजरी हो जाए हम उसे छोड़ देते हैं। हाँ, वो पता ही नहीं गायब तो वो तो कह रहे हैं डोमेस्टिक के नीचे तक का भी जो प्लेयर है उसके पास सिक्योरिटी है, पेरेस बहुत ज्यादा, तो पता है कि आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपका फ्यूचर बन जाएगा, ये नहीं कि आपने इंडिया के लिए खेलना है, अगर इंडिया के लिए नहीं भी खेल रहे, फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं तो आपकी जिंदगी, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको कोई और काम करना है अपने लिविंग के लिए। सो आई थिंक इन दैट वेरी शॉर्ट इंटरव्यू he's just said a lot of things that are missing. He's a very sensible man, very very clever, very bright, Saurav Ganguly. I've worked with him for 2-3 years at KKR.